बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मैं एक न्यूज़ शेयर कर दूंगा भाई, साथ में आपको दिखा भी देता हूँ। मैं तमाम परदेसी भाइयों के लिए मैं इस चीज़ को अहम समझता हूँ, एक अहम न्यूज़ समझता हूँ। एक वजारत दाखिलिया या शुरतो मरूर की तरफ से बोल रहे हैं, हमें एक चीज़ से आगाह किया जाता है कि भाई ये काम, इस काम का ये नतीजा है, देख लें आपके सामने है। अगर सिंपल लफाज में बात करें, मैं आपको बात बता दूँ, हम जिजान में थे, मेरे इसी चैनल के ऊपर बहुत सी पुरानी वीडियो मेरी जो कि जाकर आप देख लें, जद्दा टू जिजान, जिजान टू जद्दा, एंड जिजान में मैंने जो तकरीबन एक से डेढ़ साल का अरसा गुजारा, जिजान सबिया इदाबी टॉप ऑफ द फीफा, सऊदी अरब का सबसे खूबसूरत गाँव। कुछ ईद नमाज मैंने दो वहाँ पर पढ़ी और वहाँ पर लाइव वीडियो शेयर की हुई है, इसी चैनल के ऊपर पुरानी पढ़ी हुई है। ये बात क्यों कर रहा हूँ, देखें जिजान में थे हम, हमने एक, मैं जितना काम करता था ना, मस्तोदा बनाया हुआ था, मस्तोदा में गाड़ियाँ वगैरह मशीनरी वगैरह खड़ी करते थे। तो सुबह टाइम जब हम गए तो मशीनरी वगैरह, वो लड़के बैठे तो वो एक पाकिस्तानी आया, बकायदा पाकिस्तानी आकर ना वो मशीनरी के आगे नीचे से वो एक कीस निकाल रहा, कीस तो एक नहीं तीन चार कीस थे, उनके अंदर उसने कुछ लपेटा हुआ था, उठाकर उन्होंने किसी घास में फेंक दिया उसने। तो हमें बोलता है अभी, हमने बोला अभी ठीक है यार, हम क्यों बात करेंगे किसी से। अच्छा, बात करने का मकसद क्या है कि उसके अंदर वो खाद चलती है, खाद जड़ी बूटी नहीं है, वो उन इलाकों में आम मिलती है, वो थी उसके अंदर। यार मैं ये इसलिए बात कर रहा था कि ऐसे कोई भी जो मामलात होते हैं, इनकी सूरत में जब बंदा पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सजा क्या होती है, जुर्माने क्या होती हैं, इस चीज़ के ऊपर बहुत सी वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अभी ये जो आज की न्यूज़ है, ये आपका इकामा एक्सपायर है तब भी आप इसी ज़ुमरे में आएंगे, हरूप है तब भी इसी ज़ुमरे में आएंगे, मतलूब है तब भी इस ज़ुमरे में आएंगे, बदून कफील यानी कि कंपनी वगैरह से भाग कर काम कर रहे हैं तब भी इस ज़ुमरे में आएंगे। बदून कफील से मुराद साय खास आमल मंत्री हार्स वगैरह वाले भी आते हैं, जी कफील के साथ एग्रीमेंट किया हुआ, बाहर कोई काम किए जा रहे हैं हालांकि उनका काम ही नहीं है ये, वो भी इसी जुमरे में आएंगे। इकामा एक्सपायर वालों को मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, यार इकामा एक्सपायर है तो इकामा आपका कफील कुछ भी नहीं कर सकता है, आप खुद अपने कफील हैं, बाहर चले जाएँ कहीं काम वगैरह ढूंढें, चंद पैसे इकट्ठे कर लें, कोई अच्छा बंदा ढूंढ लें, उसके नाम के ऊपर नकल कफाला ले जाएँ, आपके पैसे तो लग जाएंगे लेकिन आप लीगल हो जाएंगे। बहरहाल न्यूज़ की तरफ आते हैं जी, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ हाईलाइट करता हूँ और वो करूँगा जी, तरहील लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इनमें 6274 बंदे हैं जी, 6274 ये वो बंदे हैं पिछले 6 से 7 दिनों में जो सऊदी अरब से डीपोर्ट किए गए, तरहील किए गए। इनमें कौन कौन से आते हैं अभी सुन लें, अगर हम टोटल की बात करें यानी कि पिछले 7 दिनों में कितने बंदे गिरफ्तार हुए, तो टोटल की अगर बात करें तो वो देख लें 10710 बंदे हैं जी, 10710 बंदे पिछले 7 दिनों में टोटल गिरफ्तार हुए हैं। इनमें मुखालफा निज़ाम अल इकामा, जिन बंदों के इकामे वगैरह एक्सपायर थे, उनकी तादाद देख लें जी 6070 बंदे भाई वो गिरफ्तार हुए हैं जिनके इकामे सिंपल एक्सपायर हैं, और बेचारों का कसूर खुद का ही नहीं है, यकीन कीजिए कंपनी इकामा नहीं लगा रही है, इसमें किसी बंदे का क्या कसूर है। आगे बात करें मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद की, तो इनकी तादाद देख लें 3070 बंदे ये हैं जी, जिनके भाई मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद। आगे बात करें मुखालफा निज़ाम अल अमल, इनकी तादाद है जी 1569 यानी कि 1570 बंदे बोल रहे हैं, ये वो हैं जी जो बदून कफील, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, साय खास अमल मंजिल या कंपनीज वगैरह से भागे हुए बाहर काम करते हैं। टोटल बंदे भाई 10,000 प्लस में, 11,000 के करीब हैं। तो भाई आपका इकामा वगैरह अगर एक्सपायर है तो यार उसे कहीं, मैंने जैसे कि बता दिया, चंद पैसे इकट्ठे कर लें, बाहर किसी के नाम के ऊपर नकल कफाला ले जाएँ, अपना इकामा रीन्यू करवा लें, वो बेस्ट है। अगर हरूप वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, आप बाहर बाद में नकल कफाला ले सकते हैं, या खरूज आप सफारा वगैरह से अपना